फाइनली दर्शन वर्शन भाई इतने प्यारे दर्शन हुए, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि फर्स्ट टाइम जब हमने दर्शन करे इतने प्यारे हुए, सेकंड टाइम जब करे उससे ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए भाई। एकदम खड़े रहे, मतलब एटलीस्ट पिछली अगले नेक्स्ट टाइम तो 10 मिनट तक वहीं पर आराम से, इतने प्यारे दर्शन। और ऑल टाइम माई फेवरेट ग्लैमर इन द हाउस, तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। लेकिन यहाँ पे देखा कि 10 बजे तक अपना सारी मार्केट जो है बंद हो गई है। पिछली बार बल्कि रास्ता नया नया खुला था, सब कुछ था इस बार, लेकिन जो है मामला शांत हो चुका है 10 बजे तक में। हमारी ट्रेन है 12:30 की, बच गए हैं 10:30 तो बज ही गए हैं। बसते बसते हो जाएगा, टिकट लेंगे करेंगे, देखते हैं क्या होता है हमारी किस्मत में। अब हम चालू में धक्के खाते हैं, बदबू में खाते हैं, पॉटी में खाते हैं, गूंगा कैसे ले जाएगा हमारे को, है ना, बदबू में ले जाएगा ना। हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई, इस वेटिंग के टिकट भी पैसे भी कटेगा, टिकट भी कंफर्म नहीं हुई, बताओ। गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना, सामने बैठ के मतलब गेट के सामने जो पहले ढाबा दिखा वहीं आ गया। और मोनू के ऊपर देखो क्या मक्खी सी उड़ रही है यार ये खाने के पास यार। तो गूंगे की जो है गूंगे उड़ चुके हैं, गूंगे के एक बार में अब गूंगा रायता सब्जी टेस्ट करेगा, फिर उस हिसाब से खाना मंगाएंगे, देखते हैं पहले क्या है। राजस्थान है ना, राजस्थान में तीखा खाते हैं सबसे ज़्यादा, मिर्ची बहुत खाते हैं यहाँ पे राजस्थान में। राजस्थान में मिर्ची बहुत खाते हैं, दबा के मिर्ची खाते हैं राजस्थान में। सो गाइस लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। फाइनली वी रीच रिंगस, पहुँच के गाड़ी खाली आई है आते। अच्छा मैं आपको एक लॉजिक और बताता हूँ कि जाते समय अपना क्या कहते हैं 50 रुपये लेंगे ये लोग यहाँ से, और आते समय जो है सीधा 30-30 रुपये में आ गए। मतलब भाई 40 बोल रहे थे, 30 में पकड़ के बिठा रहे ज़बरदस्ती कि आ जाओ आ जाओ। मोनो रिंगस पहुँच के यहाँ पे ले ली टिकट, और यहाँ पे देखो ऑल टाइम सारा ग्लैमर ग्लैमर उतारेंगे, क्योंकि ट्रेन जो है वो है आई थिंक अभी 11:38 हो रहे हैं, पूरे 1 घंटे बाद जाके ट्रेन आएगी। जब तक हम यहाँ पे से बैठे रहेंगे, और पता नहीं हमारी क्या है, मैंने वेटिंग टिकट काटी, मेरे को लगा शाम तक कंफर्म हो जाएगी 3rd टायर में, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई। अभी वहाँ पे ट्रेन आई उदयपुर सिटी वाली, भाई साहब इतनी भीड़ आ रही है ना, इतनी भीड़ भीड़ के साथ साथ ग्लैमर भी आ रहा है, कई कच्ची गलियाँ भी हैं कई सारी। तो और मनु यहाँ पे कच्ची गलियाँ उतारता हुआ, मनु तुम यहाँ खड़े हो के भाभीों को देख रहे हो या फिर कच्ची गलियों को देख रहे हो, किसी को नहीं देख रहे क्यों, ऐसा कुछ है नहीं मन में इरादा देखने का, गूंगा का इरादा था मन में। कैमरे ऑन द कैमरा सब 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 सच कोई नहीं बोलता मेरे अलावा, मैं आपको दिखाता अभी, लेकिन अब क्या बोलूँ मैं जगह ऐसी आ रखा हूँ मेरे। फाइनली वी आर वेटिंग रूम राइट नाउ, फोन चार्जिंग हो रहा है यहाँ पे। गूंगा को सुसु आ गया था, गूंगा कह रहा है बैठो क्या गंदगी में बैठे हुए हो। परेशान हो गए, तो बस ट्रेन का इंतज़ार है, 1 बजे आएगी अभी भी यार, टिकट कंफर्म नहीं हुई है, इसीलिए टिकट कर रखी थी भाई। 200 रुपये का चूना वो लगा, 300 रुपये की टिकट ये गई, 500 रुपये का फटका, फक द रास्कल। सो देखो कैसे जाएंगे आज, चालू में धक्के खाते हो यार, कहाँ वृंदावन तक भी एसी में जाते हो और यहाँ पे आज व्हाट द फक इज दिस। सो गाइस गाड़ी आ चुकी है 12:45 पे राइट टाइम, और भीड़ तो यार बहुत है, पता नहीं हमारे तोते उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, बस चढ़ गए अंदर विकलांग वाले डब्बे में तो देखी जाएगी, बाकी तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, देखी जाएगी। गाइस जब आपकी टिकट कंफर्म ना हो वेटिंग की, तब आपको ऐसे जाना पड़ेगा। देख रहे हो जहाँ खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े रहोगे। गूंगा काहे दिखाऊं, आतंकवादी बन रखा है। बाथरूम के बाद खड़ा सबसे ज्यादा इसको नफरत वहीं से होती है, और वहीं का। तो प्लीज़ अपनी टिकट जरूर कंफर्म करा के आना भाई, जब भी आओ पहले करा लो, मेरा एंड वक्त को मत करना, नहीं तो मेरी आके अटकी है 7-8-9 वेटिंग में, बताओ वो भी 3rd टायर एसी में, ये भी नहीं ऑटो, मतलब 1st टायर तक खाली नहीं है इसका, पूरा फुल है। फाइनली वी आर चेंज द डब्बा, मोनू और हमारा गूंगा रह गया पीछे, तो ये वाला डब्बा ठीक है, हम पीछे आगे चालू वाला में एक विकलांग वाले से डब्बे, तो ये खुला है सही है, तो आराम से हम लोग खड़े हो गए भी यहाँ पे, तो खड़े होने की जगह है, गूंगा पीछे रह गया, अब नेक्स्ट स्टेशन पे वो चेंज करेगा। फाइनली सीट मिली थी हमारे को, एंड यू कैन सी 2-4 स्टेशन शायद बाद मेरे को मिल गई, आराम से यहाँ पे बैठा हूँ मैं एंड मी एंड गूंगा,
मोनू थोड़ा थोड़ा और आराम से चिपक के बैठे हैं लोग, है ना मोनू, सीट मिली गई फाइनली, इतने में तो गुजारा चला ही लेंगे अब, है ना, कैसे भी करके। गूंगा भी खुश, इतना ही बहुत है यार जितना लिया। गाइस फाइनली टाइम पे दिल्ली के एंड, और बहुत ही बेकार जर्नी हुई ट्रेन की। मोनू और गूंगा आर सो मैनी फ्रस्ट्रेटेड इन योर लाइफ, अभी उतर के बताता हूँ, अब जाके खड़ा हुआ। सो गाइस फाइनली वी रीच राइट नाउ इन, और पूरी की पूरी भाई साहब ट्रेन ही खाली हो गई यहाँ पे, देख रहे हो अभी वो सब रुक जाए यार, अभी दो मिनट तो सबर नहीं है बिल्कुल भी यार। मोनू की हालत थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है भाई साहब, पूरी ट्रेन ही एकदम खाली हो गई, मतलब भाई मोनू यार इसे दे रहे हो 50 रुपए। अच्छा लेट्स सी, देखो भाई पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली हो गई यहाँ पे, देख रहे हो पूरी की पूरी, और 5 मिनट पहले आ गई पूरी, आधी से ज़्यादा ट्रेन ही खाली रहती है, काश हम लोग इसमें होते। ओहो H1 है ये तो यार, मतलब भाई ये भी सब फुल था भाई, नहीं तो हमारा एसी में मोनू चालू में कभी नहीं आना है, एसी में ही आना भाई, परेशान हो जाता है नींद के मारे, झोंके के मारे, सब कुछ पूरी ट्रेन। हाँ नहीं भाई रिजर्वेशन में मेरे को नींद आ जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन यार उसमें रिलैक्स फील, इसमें बहुत परेशान हो रहा था यार, कभी करते हैं इधर जा रही है, कभी करता हूँ उधर जा रही है। फाइनली बज रहे हैं 5:07 और मैं आ गया अपने घर पर, बिल्कुल भाई बस वाले ने वहाँ से मेरे को सिर्फ बल्कि 10 मिनट में पहुँचा दिया, मतलब कैंट से अपने घर, रात को बिल्कुल खाली था एकदम, 10 मिनट पहुँचा दिया, जैसे ऊपर चढ़े बस आ गए, हम भगते हुए चढ़ गए, तो बस। और देखो सबसे चीप ट्रिप हो सकता है, 100 रुपये की टिकट लो, 50 रुपये वहाँ से रखते हैं, कितने 150 हो गए, 150 के बाद अपने 30 रुपये वापसी के रखेंगे, 180 प्लस 100 रुपये फिर लगेंगे, कितने हो गए 270 रुपये में आप चीप ट्रिप के अंदर पूरा काटू शाम का यात्रा कर सकते हो दिल्ली से, 270 रुपये मात्र, सिर्फ 270 रुपये में पूरी काटू श्याम जी की यात्रा करिए, वो भी सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर, 12 घंटे के अंदर अंदर पूरी काटू श्याम की यात्रा। तो ये है मेरा इसका, तो बाकी सब मोनू और भी अपना बूंगे और भी उत्तम नगर पहुँच गए, मैं अपना इधर आ गया, तो अब सीधा घर चलते हैं, आराम से सोऊंगा खराटे मार के, बस यही है यार। स्लीपर अगर थोड़ा सा अगर आपको अपने ऊपर ट्रैवल में एक्सपेंस कि भाई मेरे को थोड़ा प्रेफर चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो आपको 100 रुपये की टिकट की जगह 500 रुपये टिकट पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आते वक्त भी जाते वक्त भी। ओके तो गोलू का घर आ गया यहाँ पे, गोलू कुत्ते को दूध पिला रहा है, मैं चलता हूँ सीधा सोऊंगा।